नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश की न्यायिक व्यवस्था की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने एक विश्वास पैदा किया है, बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है भारतीय जनता में कि हमारी जुडिशियरी न्यूट्रल है। पता नहीं क्यों, आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि अभी हाल के दिनों में 600 अधिवक्ताओं ने एक पत्र लिख दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, यह भी एक विवाद का विषय बन गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। यह जानना होगा कि आखिर उन 600 अधिवक्ताओं ने क्या सोच समझ कर जो पेंडिंग केसेस हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर न्यायपालिका को पूरे तौर पर उन्हें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। उन अधिवक्ताओं को निश्चित तौर पर यह सोचना चाहिए था कि जो मामले कोर्ट में हैं उस पर यह पत्र लिखने की ज़रूरत आपको पड़ी क्यों। अभी हाल में जस्ट 3-4 दिन पहले फिर 21 अधिवक्ताओं ने, 21 रिटायर्ड जजों ने पत्र लिखा है जिनमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं और 17 इंडिया के डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जस्टिस रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इन लोगों के पत्र लिखने का कारण क्या है, ये इनकी भावना क्या है, क्या कहना चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह का पत्र लिखने का मकसद क्या है, और वो भी तब जब भारत में भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं अनुरोध करता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस संबंध में कोई ना कोई स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को कि डायरेक्ट जो चिट्ठी लिखी जा रही है इससे ये झलकता है, देशवासी में ये भावना आ सकती है कि आखिर कौन सी चीज़ है, किस बात को लेकर ये लोग परेशान हैं। छोड़ देना चाहिए कोर्ट पर, कोर्ट के बातों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे हाई कोर्ट्स में मामले हों, सुप्रीम कोर्ट में मामले हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले हों, ट्रिब्यूनल्स में हों। इस पर बार बार या तो विधिवक्ताओं के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा, रिटायर्ड जजेस के द्वारा, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के द्वारा अगर पत्राचार किए जाने की परंपरा पर रोक नहीं लगाई गई कि डायरेक्ट आप क्यों इस तरह के पत्र सिटिंग चीफ जस्टिस को लिखेंगे, तब हो सकता है कि आने वाले कल में एक विवाद का विषय पैदा हो सकता है जो अपने देश के हित में नहीं होगा। और अनुरोध है कि हमारी जो हमारे संविधान की जो परिकल्पना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, इसको मजबूत करने की जरूरत है देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।